आज अध्याय 15 में प्रायिकता के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे। प्रायिकता के सूत्र, नियम, उदाहरण हमने जाना था कि प्रायिकता क्या होती है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को समझा और उसकी परिभाषा देखते हैं। प्रायिकता जहाँ पर संभवता, संदेह, विराम इत्यादि शब्द प्रायिकता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी घटना ए की प्रायिकता पी से दी जाती है। पी बराबर होता है उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटित हुआ है बाय कुल अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब प्रश्न दो, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगस्त में तो जन्म माह ये लिया है इस अक्ष पर, दूसरा लिया है विद्यार्थियों की संख्या एन, ये ली है वाई अक्ष पर। तो यहाँ जो माह दिए गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब संख्या ली गई है यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगस्त के लिए देखते हैं तो अगस्त बच्चों ये है, अगस्त के सामने जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 विद्यार्थी अगस्त के महीने में जन्म लेते हैं। छठवें नंबर पे ये अपना अगस्त का जो ये ग्राफ आ रहा है। ठीक, तो स्पष्ट रूप दंड आलेख से कक्षा 9वीं के एक विशेष सेक्शन के 40 विद्यार्थी 6 विद्यार्थी अगस्त के महीने में जन्म लेते हैं। अतः एक विद्यार्थी की अगस्त में जन्म लेने की प्रायिकता अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बाय कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए तो 6 जो है 6 बच्चे ले रहे हैं और कितने हैं टोटल 40, 40 बच्चे हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 6/40 को, तो यहाँ आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/20 इसका उत्तर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेम में से 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्योंकि क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर चौका होता है तो महिला बल्लेबाज द्वारा चौका न लगाने की प्रायिकता होगी। फॉर्मूला करेंगे प्रायिकता बराबर चौका न लगाए जाने की संख्या। ठीक है, तो 30 में से जो है 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 24, ये जाएगा ना नहीं तो इसका आ जाएगा 24 बाय टोटल कितना है कुल गेंदों की संख्या 30 है। तो उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 24 बाय 30 करेंगे ये जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे और 6 5 तो आ जाएगा 4/5, 5 को 4 से भागित करने पर आ जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 6, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता है। तीन चित्र बारंबारता का अर्थ है कि तीन चित्र 23 बार आया है। इसी प्रकार दो चित्र 72 बार और एक चित्र 77 बार और कोई भी चित्र नहीं आया है 28 बार। यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब ये सारणी से स्पष्ट है कि 2 चित्र के जो बारंबारता दी गई है कितनी है 72 है। ठीक है, तो 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया इसलिए कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हुई 200, यानी NS कितना हुआ 200 हुआ और NE मतलब जो है 72 बार का है तो आ जाएगा 72/200। इसको सॉल्व करेंगे देखो इसको करेंगे संख्या से इसको करेंगे 2 से तो ठीक फिर से 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 और यहाँ जाएगा 50, यानी 2 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 25, उत्तर आ जाएगा 9/25। क्वेश्चन 10, इंपॉर्टेंट जवाब, आते हैं कि क्यों 11 थैलियों में थे जिनका 5 किलोग्राम अंकित है वास्तव में आटे की निम्नलिखित भाग केजी में। ठीक, तो 4.97 केजी इस प्रकार से जो भाग दिए गए हैं 10 जो है 11, कुल थैलियों की संख्या कितनी है 11, 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैली। देखिए 5 से अधिक गिनती
पांच, ये वाली, ये संख्या क्या है, पांच से क्या है अधिक है, 5.08 फिर 5.03 फिर 5.06 5.08 और फिर 5.04, इस प्रकार कितने हुए हैं यहाँ पे, 7 थैली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो जाएगी 5.07, यानी 5 से अधिक संख्या ये किलोग्राम वाली थैलियां 7 कहलाएंगी। अब थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एन ई है, 7 जो है वो एन ई है और 11 जो है वो एन एस है, ठीक। तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई बाय एन एस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 बाय ये 11, ये इसका उत्तर होगा, ठीक। अब आगे एक सवाल, प्रश्न 11 इंपॉर्टेंट है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता दो चित्र 105 बार, एक चित्र 275 और कोई भी चित्र नहीं 120 बार, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर अभिप्रयोग की संख्या 500 होगी, दो चित्र आने की प्रायिकता दो चित्र आने की संख्या बाय कुल अभि, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एन ई बाय एन एस टोटल, तो 105 बाय 500 टोटल है, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 21/100। अब एक चित्र आने की प्रायिकता, एक चित्र के लिए जो है ये इसकी जो संख्या है एन ई की ये 275 है, तो 275 बाय टोटल संख्या कितनी है 500, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/20, कोई भी चित्र आने ना आने की प्रायिकता ये हो जाएगी 120 बार, ये एन ई का मान डिवाइडेड 500 तो क्या है, ये एन एस का मान तो कॉमन है, ये इसका उत्तर है, ठीक है बच्चों। आज इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपने पढ़ा, प्रैक्टिस कर कीजिए, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, थैंक यू सो मच।